अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। कह दीजिए वाह भाई वाह। तो जिंदगी रिश्तों का नाम है, रिश्ते बनते रहते हैं लेकिन रिश्ते टूटते भी हैं। रिश्तों की भी एक प्रक्रिया होती है, स्टेज होती है, जैसे जीवन की भी होती है। बाल्यावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, मतलब अधेड़ा भी अवस्था आती है बीच में, कुछ लोग होते हैं। तो वैसे ही रिश्तों की भी स्टेज होती है, एक दो तीन चार। तो एक प्रतियोगिता हुई कि बताइए, एक एक शब्द में बताइए कि जो रिश्ते होते हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो पहला आदमी आया, उसने कहा सर चार शब्दों में बताता हूं रिश्ते, चाहत, मोहब्बत, साथ, इनायत। नहीं जीता। दूसरा आया, उसने कहा तुम बताओ। बोला नजरें, जिंदगी, जीवन, इबादत। वो भी नहीं जीता। जो जीता उसने चार शब्द कहे, जान, जानू। दो स्टेज तो ठीक थी, अगली दो स्टेज इतनी कमाल की बताई कि उसमें जीत गया। जान, जानू, जानवर, जानवर। क्या किया जाए, क्योंकि रिश्तों में ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी एक रेस्टोरेंट से डिनर करके बाहर निकले तो एक नेत्रहीन बेचारा भिखारी था जिसकी आंखें नहीं थी, देख नहीं सकता था, वो आया मैडम के पास, संधे के हुस्न की मल्लिका, एक खूबसूरती की देवी, दे दे मुझे पांच रुपए, दे 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 मुझे पांच रुपए, दे दे। पति बोला पचास दे, वाकई अंधा है। अच्छा रिश्ते सब जगह हो सकते हैं। तो ऐसा ही एक रिश्ता, जैसे एक लड़की ने अपने बाबू को रात को फोन किया और कहा, अब उसे पता नहीं था कि जो बाबू हैं वो तो सो चुके हैं, और फोन करके कहा गुड नाइट हनी। अब जो बाबू की माँ थी वो बोली उधर से कि हनी सो गया, ये मधुमक्खी बोल रही है। और हमारा और आपका रिश्ता भी बड़ा कमाल का है, मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, चाहत का रिश्ता है, कविताओं का रिश्ता है, गजलों का रिश्ता है, काफियों का रिश्ता है, और आपस में एक दूसरे को मुस्कुराहट बांटने का रिश्ता है, और ये रिश्ता यूं ही बना रहे। और इस रिश्ते को निभाने के लिए तीन रिश्तेदार हमारे साथ में बैठे हैं, और तीनों ही, ये तुमने क्या पहना हुआ है? ये आपने बनाया जो बनाया है? वाह, मैंने बनाया है? वाह, सीधा इल्जाम मुझ पे, खड़ा हो जरा, चल के आओ जरा। वाह, युद्ध हो जाए और बंदूक न हो तो तलवार भी काम आ सकती है, युद्ध हो जाए और बंदूक न हो तो तलवार भी काम आ सकती है, शो शुरू करने की जल्दी और धोती ना मिले तो किसी की लड़की की सलवार भी काम आ सकती है। वाह भाई वाह वाह, ये जो फूलों वाली सलवार है ये काफी असरदार है जी। थोड़ा घूमो जरा पूरा, इस जरा जोरदार तालियां ओम प्रकाश कल्याण के लिए। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश कल्याण दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं और एक आला सरकारी अधिकारी हैं लेकिन हिंदी कविताओं पे अपना काम करते हैं, और श्वेता सिंह जो मूलतः है गोरखपुर की रहने वाली है लेकिन बड़ोदरा गुजरात में रहती है, वो हमारे बीच में, हम स्वागत करते हैं श्वेता सिंह का। ये प्रवीण शुक्ल है दिल्ली से हमारे बीच में आते हैं, ये बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन कविताएं बड़ी खूबसूरत पढ़ते हैं, हम स्वागत करते हैं प्रवीण शुक्ल का। तो भाई तीनों हमारे साथ हैं, शुरुआत उससे की जाए जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और राज्यसभा में वो काम करते हैं लेकिन हिंदी कविताएं बड़ी खूबसूरत कहते हैं, हरियाणा का उनका अपना एक अंदाज है, और मैं चाहता हूं कि आज ठहाकों से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो। तो ओम प्रकाश कल्याण है जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद
आदरणीय शैलेश भाई, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत आभार। और मैं अपने परिचय से शुरुआत करता हूँ पंक्तियों की, के फक्कड़ों के हम तो ठहरे डॉन पर। अच्छा, फक्कड़ों के हम तो ठहरे डॉन पर, जिंदगी बस कट रही है लोन पर। जिंदगी बस कट रही है लोन पर, आज तो सलवार भी लोन में ली है। ये लोन में ली है कि फक्कड़ों के हम तो ठहरे डॉन पर, जिंदगी बस कट रही है लोन पर। और चार दिन क्या खाई महंगी सब्जियां, चार दिन क्या खाई महंगी सब्जियां, धमकियां मिलने लगी हैं फोन पर। वाह वाह वाह, चार दिन क्या खाई महंगी सब्जियां, धमकियां मिलने लगी हैं फोन पर। और शादीशुदा आदमी हूं तो वो अपना दर्द बयां करता हूं कि मैं तो उसकी यानी पत्नी की, मैं तो उसकी मार पर भी चुप रहा। अरे, मैं तो उसकी मार पर भी चुप रहा, वो मगर गुस्सा थी मेरी टोन पर, वो मगर गुस्सा थी मेरी टोन पर। और बहुत बहुत सुंदर चेहरे बैठे हैं, बहुत सारे प्रेमी भी बैठे हैं, तो प्रेमिकाएं भी बैठी होंगी। और आजकल की प्रेमिकाएं सर कैसी हो गई हैं सुनिएगा। वो कहती हैं कि कई आशिक हैं अधिक टाइम ना दे पाऊंगी, कई आशिक हैं अधिक टाइम ना दे पाऊंगी, और रोज आके कुशल क्षेम ना दे पाऊंगी। यूं तो मेरा सब कुछ ही सनम तेरा है, मैं प्रेमिका हूं मगर प्रेम ना दे पाऊंगी, मैं प्रेमिका हूं मगर प्रेम ना दे पाऊंगी। और आजकल की लड़कियां सर बहुत चतुर हैं, तो कुछ पंक्तियों में उनकी चतुरता में प्रस्तुत करता हूँ। करो करो। कि प्रेमिकाएं बेसलीका हो गई हैं, प्रेमिकाएं बेसलीका हो गई हैं, प्रेमिकाएं बेसलीका हो गई हैं, बस अमीरों का वजीफा हो गई। प्रेमिकाएं बेसलीका हो गई हैं, बस अमीरों का वजीफा हो गई हैं। जाल में फंसती नहीं सब आशिकों के, लड़कियां भी अब खलीफा हो गई है, लड़कियां भी अब खलीफा हो गई। तो मैं हरियाणा से आता हूं, और हरियाणा में प्रेम करना बहुत मुश्किल काम माना जाता है। अच्छा। और उससे ज्यादा मुश्किल सर प्रेम का इजहार करना हमारे प्रदेश में माना जाता है जी। तो एक हरियाणवी आशिक प्रेम का इजहार अपनी प्रेमिका से कैसे करता है, उसकी सुनाओ, सुनाओ उसकी तारीफ कैसे करता है सुनिएगा। वो कहता है, अब हरियाणा का आशिक है ध्यान रखिएगा, वो कहता है छुरी कटारी। अच्छा, छुरी सीधी हरियाणा का है सर। छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही है। अच्छा, गंडासा। छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही है, और मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही है। मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही है, और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी। तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कटरीना तू ही सपना और विपासा तू ही है। तू कटरीना तू ही सपना और विपासा तू ही है, और किसी काम में जीना लगता जिबते तेरते नैन लड़े। इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही तू है, ही है। इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही है, और बारो मासी आंखों आगे तेरी सूरत रह वैसे। बारो मासी आंखों आगे तेरी सूरत रह वैसे, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही है। तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही है। और यहाँ उस लड़की ने जवाब भी दिया सर, लड़की ने जवाब इस दिया। बार आपको नहीं देना पड़ेगा लड़की की ओर से। उसने जवाब दिया कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा है, मैं स्वर्ण खरा तू खोटा है, मैं कमजिन सी तू मोटा है। मैं स्वर्ण खरा तू खोटा है, मैं कमजिन सी तू मोटा है, और मेरे पीछे दुनिया सारी मैंने छोरों का ना टोटा है।
मेरे पक्ष है दुनिया सारी, मैंने छोरों का ना टोटा है और मैं चांद की जैसी सुथरी सी, श्वेता जी आपके जैसी, मैं चांद के जैसी सुथरी सी और तू तो काला झोटा है। मैं चांद के जैसी सुथरी सी और तू तो काला झोटा है और मैं गगरी ठंडे पानी की, मैं गगरी ठंडे पानी की तू सोचा ले का लोटा है, मैं गगरी ठंडे पानी की तू सोचा ले का लोटा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब संबोधन भी बदल जाते हैं, अब लड़की ये नहीं कहेगी कि तू लोटा है और वो है और छोटा है और खोटा है, और ऐसा नहीं कहेंगी, वो कहेंगी तू ही मूर्ख, तू ही पागल, नॉनसेंस तू ही है, तू ही मूर्ख, तू ही पागल। और अगली लाइन में बताएगी क्यों, तू ही मूर्ख, तू ही पागल, नॉनसेंस तू ही है, बात करूं मैं किसी और से पर मेरा बैलेंस तू ही है। तू ही क्रेडिट कार्ड मेरा, मेरा उधार तू ही है, तू ही क्रेडिट कार्ड मेरा, मेरा उधार तू ही है, सारे मोहल्ले में मैं सुंदर हूं ये प्रचार तू ही है। और अब क्या चिंता करूं मैं कपड़ों की, मेरी कुर्ती, मेरा दुपट्टा, मेरी सलवार तू ही है। और आइए पढ़ते आगे, बुलाते उनसे जो बच्चों को पढ़ाते, लेकिन कविताएं बड़ी शानदार पढ़ते हैं, प्रवीण शुक्ल जोरदार तालियों के साथ। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। शैलेश भाई ने बताया कि मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली पूरे देश में राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है, तो गद्दी के बारे में एक छंद सुनिएगा। गद्दी, गद्दी जी, राजगद्दी के बारे में। विशेष बात यह है शैलेश भाई, ये सिंहावलोकन छंद है। पहली सिंहावलोकन छंद उसे कहते हैं हिंदी साहित्य में, जिसमें किसी छंद की पहली पंक्ति जिस शब्द पर समाप्त होती है, अगली पंक्ति उसी शब्द से प्रारंभ होती है। जैसे आप देखते होंगे सिंह जब बैठा होता है, शेर, और वो घूम के देखता है अपने पूंछ की ओर, तो सिंहावलोकन, तो ये पंक्ति जो घूम के पहली पंक्ति तक वापस आ जाती है, इसे उसे कहा जाता है सिंहावलोकन छंद। सुनिएगा, गद्दी से शुरू करता हूँ, गद्दी पर खत्म होगी जी। कि गद्दी, गद्दी के कारण देश हुआ रद्दी, रद्दी हुआ है पूरा ही ढांचा, ढांचे में बगुलों ने मछली को फांसा, फांसे हैं मुंह सब दीन दुखी जन के, जन के पसीने से ढेर लगे धन के, धन से खनकती है लीडरों की गगरी, गगरी से बनती है सोने की नगरी, नगरी में खन 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 के है पैसा, पैसे से रचते हैं खेल चाहे जैसा, जैसे है सिर पर गांधी की टोपी, टोपी ने हिंसा की आरजू ना सौंपी, सौंपी ना कोई भी आदत भद्दी, भद्दे कर्म से क्यों मिल रही रद्दी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे प्रवीण। ये गद्दी जो भद्दे कर्म से मिल रही है, इसके कुछ आनंद के छंद सुनिएगा। एक छोटे बच्चे से टीचर ने पूछा कि आज की तिथि में एमपी बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। आप सबने भी पढ़ा होगा, बताया जाता था पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के दौर में कंप्यूटर युग का बच्चा क्या कह रहा है सुनिए आप। कि एमपी गर होना चाहे हो जाएगा, वो गुरुजी भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा, कभी मूछों को मरोड़े कभी दोनों हाथ जोड़े, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा, ये करूंगा वो करूंगा सेवा करता मरूंगा, ओ ये करूंगा वो करूंगा सेवा करता मरूंगा, वायदों का लगवाते पूरा पूरा चट्टा, बिना कुछ करे कहे ये किया है वो किया है, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा। तो गुरुजी की उत्सुकता जगी की बालक तो कमाल है, तो उन्होंने कहा कि बेटा अब ये बता कि यदि कोई मंत्री बनना चाहे उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखना शैलेश भाई, इसी तुकांत में उसने बच्चे ने क्या कहा, ओ मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, ओ मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, देखने में देह से लगे जो हट्टा कट्टा,
बेटा सामने से मुखड़े पे प्यारी सी सजी हो दाढ़ी थुल थुल काया पे हो बीस गज लट्ठा थुल थुल काया पे हो बीस गज लट्ठा झूठा जो वकील होवे उड़ने में चील होवे ओ झूठा जो वकील होवे उड़ने में चील होवे गिद्ध की तरह छीने मार के झपट्टा लड़ने में लट्ठ होवे बुद्धि से अनठ होवे चार दिन में बिठा दे भारत का भट्टा चार दिन में बिठा दे भारत का भट्टा चार दिन में बिठा दे भारत का भट्टा। गुरु जी की उत्सुकता और बढ़ी, बोले यार कमाल का बच्चा है। तो उन्होंने कहा बेटा ये बता मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ये अद्भुत प्रयोग है शैलेश भाई, निरर्थक शब्दों का सार्थक प्रयोग मैंने इन छंदों में किया है। मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं थी बच्चे ने बताई, मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता है। निरर्थक शब्दों का सार्थक प्रयोग नहीं समझेंगे तो मैं आपको बता, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं और उसका कुछ आप मीनिंगफुल काम कर लें जैसे इन्होंने किया। सुनिएगा सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आज के दौर में क्या योग्यता होनी चाहिए। ओ सीएम जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी नोटों का भरा हो जिसके पास पूरा कट्टा जो बिकाऊ एमएलए की बोलियां लगाए रोज पार्टी खरीदने का खेल खूब सट्टा पार्टी खरीदने का खेल खूब सट्टा जिनके पैरों को रात दिन पूजता रहा हो ओ जिनके पैरों को रात दिन पूजता रहा हो मौका मिलते ही उनका भी तोड़े कट्टा बाप सदा सीन होवे बेटा बुद्धिहीन होवे तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू का पट्टा। तो गुरुजी ने बड़ा आनंद लिया और फिर एक छंद गुरुजी ने उस बच्चे से कहा। उस बच्चे से क्या कहा ये सुनिएगा कि उत्तरों को सुनकर गुरुजी ने कहा प्यारे डाकू छवि राम सिंह की छवि बनेगा तू आग को उगल कर रात दिन जल कर रोशनी बिखेरता हुआ रवि बनेगा तू तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी ओ तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी ऐसे शब्द यज्ञ की भी तू हवि बनेगा तू चोर डाकू सेठ वे डकैत यदि ना बना तो सेठ वे डकैत यदि ना बना तो तुझे श्राप दे रहा हूँ जा कभी बनेगा तू तुझे श्राप दे रहा हूँ जा कभी बनेगा तू तुझे श्राप दे रहा हूँ जा। तो गुरुजी के श्राप से फलीभूत हुआ वो कवि आपके सामने उपस्थित था। हंसते रहिए गाते रहिए। इसे गुरुजी का श्राप नहीं वरदान समझो प्रवीण के, ईश्वर ने तुम्हें कविता की समझ दी और कविता करने का ये आशीर्वाद दिया। क्योंकि बहुत खूबसूरत बात है कि समाज जहां बोलना बंद कर देता है कवि वहां बोलना प्रारंभ करता है। ये इन्हीं लोगों के मन के विचारों की बातें हैं जो तुमने अपने शब्दों के अंदर बता दी और उसे कहा और सही कहा कि नेता बनने के लिए सिर्फ एक ही गुण चाहिए। एक बेटे ने भी बाप से पूछा था कि नेता बनना है तो क्या किया जाए, तो पिता ने कहा कुछ मत कर बेटा मैं तेरे को प्रैक्टिकल से समझाता हूँ क्या करना चाहिए। और पिता ने उसे थोड़ा ऊपर बिठा दिया और बोला मैं नीचे खड़ा हूं तू कूद तब तुझे समझ में आ जाएगा अगर नेता कैसे बना जाता है। वो बच्चा कूदा बाप हट गया, बेटा गिरा, बोले एक ही गुण चाहिए बेटा राजनीति में बाप का भी भरोसा मत करना। ओम प्रकाश कल्याण और प्रवीण शुक्ल ने अपनी शानदार रचनाओं से सारे देश को मुतासर किया प्रभावित किया और बारी उसकी जो मूलतः गोरखपुर की रहने वाली है लेकिन रहती वडोदरा गुजरात में है वहां से हमारे बीच में आती है और हिंदी कविताओं पे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है और वो कोशिश कर रही है कि उनका नाम हो और उसी प्रक्रिया में आज पहली बार वो टेलीविजन पे हमारे सामने आ रही है। तो हमें पूरा यकीन है कि जब आप उन्हें सुनेंगे तो वो अपनी प्रसिद्धि की दौड़ में एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में आ रही है श्वेता सिंह जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार आप सभी को और शैलेश सर आपको थैंक यू सो मच। हम सभी ने महसूस किया होगा कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं किसी से प्रेम करते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। सर आपने भी महसूस किया होगा। तुम्हें बिल्कुल ठीक कहा श्वेता, मैंने भी महसूस किया होगा और मैं सिर्फ महसूस किया ही नहीं मैं करता हूं। वो ऊर्जा खत्म होती नहीं क्योंकि मोहब्बत वही नहीं है जो किसी लड़की से की जाए जी। मोहब्बत वही नहीं है जो आपके महबूब से की जाए। मोहब्बत वही नहीं है जो उससे की जाए जो आपके ख्वाबों में आए। मैं दुनिया की हर शय से मोहब्बत करता हूँ।
मैं इन पेड़ों से मोहब्बत करता हूँ जिनके छांव में बैठकर मुझे खुशी का एहसास होता है। मैं इन हवाओं से मोहब्बत करता हूँ जो दुनिया को दुनिया बनाती है। मैं उन फूलों से मोहब्बत करता हूँ जो चारों ओर खुशबुएं बिखेरती है। मैं उस हर शय से मैं उन नदियों से मोहब्बत करता हूँ जो बह के हमें चलने का भाव सिखाती है। मैं उस सूरज से मोहब्बत करता हूँ जो कहते हैं कि रोशन अगर होना है हमें तो जलना पड़ेगा। मैं उस महताब से मोहब्बत करता हूँ जो हमें चांदनी देता है। मैं हमारे आसपास की हर चीज़ से मोहब्बत करता हूँ, और सबसे बड़ी बात जिसने इस दुनिया को बनाया मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी बंदगी से मोहब्बत करता हूँ, और हर वक्त महसूस करता हूँ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से मोहब्बत करता हूँ। सो मच, तो मैं फिर उसी मोहब्बत की बात कर रही हूँ। जी सुना। इशारे ही इशारे हो, जुबां से कुछ बयाना हो। क्या बात। जब हम प्रेम करते हैं तो छुपाते भी हैं, मोहब्बत करते हैं तो छुपाते भी हैं। इशारे ही इशारे हो, जुबां से कुछ बयाना हो, सब मोहब्बत को महसूस करते ही हैं, प्रेम को महसूस करते ही हैं, तो सुनिए। तुम्हें प्रस्ताव नैनों का अगर स्वीकार हो जाए, अंधेरे कोष्ठ में दिल के मेरे उजियार हो जाए, तुम्हारे ही कदम पर सुखद अनुभूति ही नहीं, कुछ दर्द भी होता है, कुछ विरह भी होता है। उदासी से भरे तन्हा हमारे दिन गुजरते हैं। अच्छा। उदासी से भरे तन्हा हमारे दिन गुजरते हैं, वहीं फिर रात में आकर विरह के नाग डसते हैं। मोहब्बत की शायरी की श्वेता सिंह ने, इधर आंखें बरसती है उधर बादल बरसते हैं, यही होता है मोहब्बत में, आखिर कर रोना पड़ता है। लेकिन जिंदगी रोने से तो नहीं चलती साहब, आखिर मुस्कुराहट ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है, उसका सबब है। तो आइए आपकी मुस्कुराहटों के लिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे उस सेगमेंट की ओर जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। राकेश रोशन साहब, बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। बहुत अच्छे शैलेश भाई, इस चित्र को देखकर ऐसा लग रहा है कि दो बुजुर्ग हैं और उनके बच्चों ने उनका सम्मान किया। मुझे अपनी ही चार पंक्तियां याद आईं।
मैंने लिखा था कि जीनी है जिंदगी तो जियो प्यार की तरह, क्यों जी रहे हो तुम इन्हें तकरार की तरह, दोजख में भी दो गज जमी उनको ना मिलेगी, दोजख मतलब नरक, दोजख में भी दो गज जमी उनको ना मिलेगी, माँ बाप जिन्हें लगने लगे भार की तरह। वाह वाह, इसलिए बड़ों का सम्मान करते रहिएगा, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। प्रवीण ने एक बहुत सोचने वाले मुद्दे पे बात खत्म की, तो जाते जाते मुझे मेरी दो पंक्तियां याद आ गई जो मुझे बड़ी प्रिय भी हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ इस दृश्य को देखने के बाद और प्रवीण की ये पंक्तियां सुनने के बाद कि छत नहीं रहती दहलीज नहीं रहती, छत नहीं रहती दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। वाह भाई वाह।